नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी चैनल टेक मंत्रा में। मैं आपका दोस्त आशीष और यहाँ पर मैं बात करता हूँ टेक और डिजिटल वर्ल्ड के बारे में और जहाँ पर होती है टेक हैक्स, टेक अनबॉक्सिंग और मेरे एक्सपीरियंसेस और रिव्यूज़ और जो आप अपने डेली लाइफ में आप उसको इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। तो आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं सोनी प्लेस्टेशन कंट्रोलर की। अभी ये जो है वो मैंने अमेजोन से मंगाया है प्लेस्टेशन कंट्रोलर और अब ये देखिए कि मतलब काफ़ी सॉलिड पैकिंग में आया है। और इसके पहले का जो मैंने एक कंट्रोलर मंगाया था तो वो यहाँ पर जो इसका ओरिजिनल सील होता है, ये देखिए आप यहाँ पर ओरिजिनल सील, तो वो सील मिसिंग था। तो मुझे लगा कि ये शायद चाइनीज़ मेड है या जो है, तो मैं उसको खोल के भी देखा तो उसका जो कंट्रोलर का जो लुक एंड फील था तो काफ़ी वो मतलब प्लास्टिक ही और कहाँ से दो तीन जगह से क्रैक था। तो मैंने वो रिटर्न करवाया और उसके बदले मैंने दूसरा मंगाया। तो इसको आज मैं अनबॉक्सिंग करूँगा और इसका जो यूज़ है वो मैंने नेट पे देखा था कि ये मोबाइल फ़ोन और एंड्रॉयड टीवी के लिए कंपेटिबल है। तो आज मैं अभी इसको मैं आपको रियल टाइम में इसको आपको रिव्यू करके दिखाऊंगा कि ये टेलीविज़न पे चलता है, जो स्मार्ट टीवी है उस पे चलता है या मोबाइल पे चलता है या नहीं चलता है। तो सबसे पहले इसके अभी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसका अनबॉक्सिंग। पहले तो अभी आपको मैंने बॉक्स दिखाई दिया था, बॉक्स का पैकिंग एकदम काफ़ी सॉलिड है। यहाँ पर ऊपर ब्रांडिंग भी की हुई है, ड्यूअल शॉक वायरलेस कंट्रोलर और ये है PS4 कंपेटिबल, सो PS5 में लगेगा नहीं। और इसका कलर जो है वो जेट ब्लैक है और इसके पीछे का थोड़ा आपको मैं दिखा देता हूँ। ये इंटरनेशनल जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो वाला शॉक कंट्रोलर है। सो अभी इंग्लिश में लिखा हुआ है कंपेटिबल हार्डवेयर प्ले स्टेशन सिस्टम 4 कंपेटिबल सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्जन 3.5 लेटर और USB केबल इज़ नॉट इंक्लूडेड टू कनेक्ट और चार्ज द कंट्रोलर यूज द USB केबल सप्लाइड विद PS4 सिस्टम। केयरफुली रीड द डॉक्यूमेंट सप्लाई विद दिस प्रोडक्ट बिफोर यूजिंग। डिजाइन और स्पेसिफिकेशन सब्जेक्ट ओके। यहाँ पर कुछ फ्रेंच में लिखा हुआ है, यहाँ पर इंटरनेशनल जो इंडियन कंट्रीज के लिए होती है, दुबई, UAE, कुवैत, कतार, सऊदी। और ये है यहाँ पर सोनी इंटरेक्टिव एंटरटेनमेंट का लोगो और यहाँ पर दिया हुआ है ये मतलब क्या क्या इसमें कंट्रोलर है। सो यहाँ पर लाइट आएगी, सी योर लाइट बार वाइल यू प्ले, बिल्ट इन स्पीकर, स्टूडियो हेड। चलिए तो अभी ज़्यादा कुछ बिना कुछ किए हुए इसको भी हम अभी ये जो है वो अगेन मेड इन चाइना है क्योंकि मेजरली अभी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सोनी के वो सब थाईलैंड में बनते हैं बट ये चाइना में बन के आया हुआ है। और यहाँ पर कुछ डीलर की कुछ तो इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है। ओके ठीक है चलो, तब इसको बिना कुछ टाइम पास किए खोलते हैं। बहुत सॉलिड वाला टेप है यहाँ पर जिससे इसकी ड्यूरेबिलिटी का पता चलता है। फाइनली बॉक्स खुल गया, अभी देखते हैं अंदर क्या माल मसाला है। डब्बे में से कंट्रोलर निकला है और यूजर मैनुअल जो बाद में पढ़ लेंगे, कथा कहानी जो भी लिखी है बाद में पढ़ लेंगे। तो पहले मैं तो आपको सबसे पहले इसको टच करके बताता हूँ। भैया बहुत ज़बरदस्त है इसका लुक एंड फील। यहाँ पर एक बटन, अब ये बटन के फील देखिए एकदम प्रीमियम इसके फील है। भैया रेस वाली गेम और पबजी जैसी गेम जैसे फ्री फायर तो खेलने के लिए बड़ा मज़ा आएगा। अभी इसका जो एक्चुअल अभी जो टेस्टिंग है वो अभी मुझे टीवी पे या मोबाइल पे लगा के करना पड़ेगा क्योंकि ये एक्चुअल में मैंने टीवी पे गेम खेलने के लिए मोबाइल पे गेम खेलने के लिए लाया क्योंकि इस पर लिखा हुआ था वेब के ऊपर कि कंपेटिबल है। अभी ये देखिए एरो बटन्स कितने सही है। यहाँ पर जो है रिसीवर यहाँ पर प्लास्टिक लगा हुआ है, मैं प्लास्टिक फ्री में बाद में मैं निकालूंगा। यहाँ पर सोनी का लोगो है, यहाँ पर लाइट्स आएगी जब चालू होगा। यहाँ पर USB चार्जर का चार्जिंग के लिए है। यहाँ पर बटन्स है R2, R1, Left 1, Left 2। यहाँ पर एक्सटेंशन है, यहाँ पर माइक्रोफोन के लिए भी
स्लॉट दिया हुआ है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सॉलिड है और तो काफ़ी मज़ा आ रहा है इसको, इसका ग्रिपिंग पकड़ने के लिए। अब ये बटन्स भी, अब आवाज़ सुनिए, ऑप्शंस शेयर। तो अभी मैं डायरेक्टली, अभी बिना कुछ टाइम पास के, अभी मैं इसका रियल लाइफ रिव्यू करूँगा। ये जो कंट्रोलर है वो मैंने अभी आपको दिखाया कि पीसी पे मैं अभी गेम खेला हूँ, और पीसी पे कनेक्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर इसका जो है वो माइक्रो यूएसबी पोर्ट है, जो पहले के जो मोबाइल्स में आते थे, अभी तो सब यूएसबी सी टाइप हो गए। जैसे कनेक्ट करने पे यहाँ पर पर्पलिश पिंक लाइट चालू हो जाती है, और बहुत हाइपर सेंसिटिव ये रिमोट कंट्रोलर। इसकी एक बेस्ट चीज़ बोल तो ये आपको इतना हाईली रिस्पॉन्स देता है, जब भी मैं इसको कनेक्ट किया हूँ तो जस्ट अभी मॉडल कॉम्बैक खेल रहा था, और उसके पहले मैंने NFS खेल रहा था। सो मॉडल कॉम्बैक में, वॉर गेम में बहुत ज़्यादा हाइपर रिस्पॉन्सिव है, बट जो रेसिंग वाली गेम है तो उसमें इतना ये हाइपर रिस्पॉन्सिव नहीं है। मॉडल कॉम्बैक के टाइम पे जब मैं शूट कर रहा हूँ, या जब मुझे गोली लग रही है, जब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो इसमें वाइब्रेशन बहुत ज़बरदस्त, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसमें वाइब्रेशन आता है। प्लस ये जो है यहाँ पर, तो ये जो डॉट्स है, तो ऑनलाइन गेमिंग खेलते हो तो ये काइंड ऑफ स्पीकर का भी काम करता है और माइक्रोफोन का भी काम करता है। और दूसरा यहाँ पर है कि आप डायरेक्टली आप हेडसेट यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। तो इसके दो तीन चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा बेटर लगी। और आप कीबोर्ड गेम, अगर आप गेम्स अगर कीबोर्ड पे खेलते हो, अगर आपको शिफ्ट होना है, तब आप इसको यूज़ कर सकते हो। मैं डायरेक्टली जो माइक्रोसॉफ्ट का जो स्टोर है, गेम फ्री वाली जो मैं डाउनलोड की, मॉडल कॉम्बैक्ट और एंड एसफॉल्ट, तो आप वो भी कर सकते हो। और अगर आपको ये रिमोट कंट्रोलर अगर बाय करना हो, तो मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहाँ पर जाके आप मेरे लिंक के ऊपर क्लिक करके आप इसको परचेज़ भी कर सकते हो। सो मैं इसको रेकमेंड करूँगा, इट्स अ मस्ट बाय। अगर आप अगर गेमिंग प्रोफेशनल में हो, या अगर आप गेमर्स हो या गेमर्स बनना चाहते हो, तो ये यूनिवर्सल रिमोट है, जो आपको एक्सबॉक्स पे भी लग सकता है, आपको जो है वो पीसी पे भी लगता है, और प्ले स्टेशन पर भी लगता है। तो मैं एक ऐसे का यूनिवर्सल रिमोट कंट्रोलर की मैं देख रहा था कि जो हर एक चीज़ के ऊपर लगे। मान लो कि मेरे पास अभी PS नहीं है, मुझे अगर गेम खेलना है, मुझे उसको PS वाला फील लेना है, तो इसके लिए मैंने ये कंट्रोलर मैंने ख़रीदा था कि मैं PS का फील ले सकूँ PC के ऊपर या TV के ऊपर। टीवी के ऊपर इसको थोड़ा कनेक्टिविटी का थोड़ा इशू हो रहा था, कनेक्शन करने के लिए टाइम जा रहा था, और इसके लिए मैं आपको टीवी के ऊपर आपको दिखा नहीं पाया कि टीवी के ऊपर इसको खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे। बट पीसी के ऊपर बहुत हाईली सक्सेसफुल हुआ है, पीसी के ऊपर आप खेल सकते हो, और आप लैपटॉप के ऊपर भी खेल सकते हो। सिर्फ यही है कि आपको यहाँ पर एक जो माइक्रो यूएसबी है, वो आपको एक पोर्ट चार्जर आपके पास या कनेक्टर कुछ होना चाहिए। था मेरा रिव्यू सोनी प्ले स्टेशन रिमोट कंट्रोल के बारे में, जो एक काइंड ऑफ अ यूनिवर्सल रिमोट कंट्रोलर है, जो आप PS, Xbox और PC पे भी आप खेल सकते हो एक ही डिवाइस से, मतलब अलग अलग आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, टिल देन नमस्ते।